हमारे साथ मौजूद है टीवी एक्ट्रेस और दादाजी की परम भक्त रीना कपूर जी। खंडवा दादा दरबार आई हैं दर्शन करने, उन्हीं से जानेंगे। मैम, आप दादा दरबार आती रहती हैं? जी, जय श्री दादाजी की। दादा दरबार मैं हर साल आती हूँ दशहरा पे, तो यहाँ पे खंडवा तो आती ही हूँ। इसके अलावा हमारे दादाजी के जहाँ जहाँ दरबार है, दिल्ली में है, खेड़ी घाट में है, इंदौर में है, हर जगह मैं जाती हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे माँ बाप जाते रहे, उनसे पहले हमारे नाना नानी जाते रहे, तो मतलब यानी कि आप दादाजी के परम भक्तों में से, पीढ़ियों से आप दादाजी को मानते हैं। मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूँगा जो आपके टीवी सीरियल से जुड़ा हुआ है। आपने कौन कौन से सीरियल्स किए हैं जो हिट रहे हैं वो बताइएगा। और दूसरा मेरा इसी में जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि आप नकारात्मक छवि महिलाओं की जो पेश की जाती है उसको लेकर आपके क्या कहना? इस वक्त पे अच्छा आपको पहले सीरियल्स बता देती हूँ। हमारे जो मैंने सबसे पहले किया था जय गंगा मैया, उसमें गंगा मैया का रोल किया था। वो रामानंद सागर की प्रोडक्शन थी, जिन्होंने रामायण बनाई थी, सभी जानते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने किया बीआर चोपड़ा के साथ विष्णु पुराण, उसमें नितिश भारद्वाज विष्णु बने थे एंड मैं सीता बनी थी। और उसके बाद फिर मैंने किया वो रहने वाली मैलो की, जिसको बहुत ज़्यादा दादाजी की दया से बहुत पॉपुलर हुआ। वो राजश्री प्रोडक्शन का पहला टीवी सीरियल था, तो वो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात थी और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। उसमें मैंने मेन किरदार निभाया था, वो भी दादाजी की दया से। एंड उसके बाद अभी जो हाल में मेरा प्रेजेंटली शो चल रहा है वो है राधा कृष्णा, उसमें मैं यशोदा का रोल कर रही हूँ स्टार भारत पे। जैसा मेरा दूसरा सवाल मैंने आपसे किया था कि जो महिलाओं को टीवी सीरियल में नकारात्मक छवि पेश की जा रही, वो उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? हम लोग टीवी सीरियल में वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। जहाँ हम रियलिटी दिखाएंगे, या तो आप एकदम हार्डकोर रियलिटी दिखाओ, जैसे नाम नहीं लूंगी जो हाँ, वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है। अब दिन भर का थका हुआ इंसान, वैसे ही ऑफिस में खिटपिट चल रही है, घर में खिटपिट चल रही है, उसके बाद आप टीवी में भी वही देखोगे, तो फिर आपका कहाँ पे, आपकी स्थिति क्या रहेगी? तो इसलिए जो हम लोग जो दिखाते हैं वो एक एकदम आइडल परफेक्ट की जैसा होना चाहिए। जैसे मेरा भी वो रहने वाली में जो रानी का किरदार था, वो ऐसा कि मतलब फ्लॉलेस, मतलब हर तरफ से वो एक अच्छी वाइफ है, अच्छी बेटी है। अब आप रियल में देखो तो मेरे में भी कमियां हैं, गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन हम लोग वो नहीं दिखाते, क्योंकि अगर हम वो दिखाएंगे तो हम सिखा क्या रहे हैं लोगों को। हमारी कोशिश ये रहती है, दिखाने वाले सब कुछ दिखाते हैं, कोशिश हम लोगों की ये रहती है कि वो दिखाओ जो पॉजिटिव है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की और सीरियल्स में पॉजिटिव दिखाने की बात कर रही हैं मैम, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे। मैं दादाजी की बात करूँगा, चूँकि दादाजी के मंदिर आप दर्शन करने आई हैं आज, दादाजी से आपका काफ़ी जुड़ाव भी है। क्या आपकी अपेक्षा है कि खंडवा में दादाजी का कैसा मंदिर बनना चाहिए? हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारे हरिहर भगवान जी ने पूरा नक्शा तैयार किया हुआ था, उन्होंने ये मंदिर बनाने की पूरी तैयारी की हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये कार्य हम भक्तों पर छोड़ गए। तब से हम लोग लगे हुए हैं, जो मैं अपनी जानती हूँ कि मेरे माता पिता भी, मेरे पिताजी अभी रहे नहीं, उनकी भी ज़िंदगी इसी में निकली है। एक एक पत्थर के लिए जो हम लोगों ने जोड़ा है, जितना जिसकी क्षमता है वो जोड़ा है, वो हमारा पैसा भूल जाओ, वो हमारा भाव है, हमारी वो भक्ति है। एक लेमैन भी ये बात समझता है, एक बच्चे से भी पूछूं कि भाई तेरे को मैं सब कुछ दे रहा हूँ, तुझसे कुछ मांग नहीं है, ना हमें नाम चाहिए, ना हमें पैसा चाहिए, हमें बस हमारे दादाजी का मंदिर, मतलब हम अपने घर को इतना सजाते हैं, विदेश से इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाते हैं, अपने आप को एकदम सजा के रखते हैं, लेकिन दादाजी का मंदिर एकदम लाल पत्थर का किस लिए? मतलब मेरे को ये पॉलिटिक्स नहीं समझ में आता कि क्या चल रहा है, क्योंकि आप हम बहुत साधारण लोग हैं, हम किसी चीज़ में किसी संस्था के साथ ऐसे जुड़े नहीं हुए कि मतलब हमें यहाँ की बात समझ में आए और वहाँ की पॉलिटिक्स, हमें ये सब समझ ही नहीं आता। मुझे तो आप देख रहे हो, मुझे पॉलिटिकली बात करनी भी नहीं आ रही है, मुझे तो बस सिंपल सी ये बात समझ में नहीं आती है कि क्या चक्कर क्या है, क्यों जब सब तैयार है
या तो ये हो कि तैयार नहीं है, उसके लिए पैसा जमा करना पड़ रहा है, उसके लिए ये करना पड़ रहा है, अभी ये नहीं है, या फिर इस बात का भय है कि हम नाम ले लेंगे अपना। हम तो कह रहे हैं सरकार ले ले, हमें तो ना नाम चाहिए ना पैसा चाहिए, हमें बस दादाजी का मंदिर चाहिए, जो मतलब दुनिया, मतलब जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, हम इतना भी, इतना नहीं अपने माँ बाप के लिए इतना नहीं कर सकते, बस वो ही मैं चाहती हूँ। रीना जी चाहती है, रीना जी का साफ कहना है कि भक्तों की भावनाओं की कद्र होनी चाहिए, जो उन्होंने भक्तों ने जो पत्थर इकट्ठे किए वो उनके भाव है, वो किसी प्रकार के नाम नहीं चाहते, कोई अपेक्षा नहीं चाहते। अब मंदिर बनता है या नहीं बनता है ये दादाजी की मर्जी है। अनंत माहेश्वरी, कैमरामैन राहुल बौरसिया के साथ MP News नेटवर्क के लिए।